क्या कर दी है, अब की बार पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। पांच चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। और उनके चमचे क्या कहते हैं, पा 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 पा, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा, भैया कैसा भेजा है। शुरू हो चुका है काउंटडाउन, आने वाली है 4 जून की तारीख, जो बताएगी कि किसके सिर सजेगा 2024 की चुनावी जीत का ताज। चुनाव नतीजे आने में सिर्फ 10 दिन का वक्त बाकी रह गया है। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरण का मतदान बाकी रह गया है, और चुनावी दौर के इस आखिरी पड़ाव पर हर खेमा अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। नंबर गेम से लेकर माइंड गेम तक का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि दावा तो किसी एक का ही सच होगा। बस अब एक ही सवाल का इंतजार है कि 4 जून विनर कौन। नरेंद्र मोदी जी की पूरी स्ट्रेटेजी भाई को भाई से लड़ाने की है, और इस चुनाव में वो काम ही नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। बिना किसी लाग लपेट के डंके की चोट पर राहुल गांधी पीएम मोदी की हार की हुंकार भर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। तो बीजेपी 5वें चरण के मतदान के बाद ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लेने का दावा कर रही है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ। देश के गृह मंत्री अमित शाह 5 चरण में ही 310 सीटें पार करने का दावा कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव तो हवा का रुख ही बदलने की बात कर रहे हैं। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 1 और 1 11 हो गए हैं, तब से दिल्ली और लखनऊ का एक एक इंजन आपस में टकरा रहा है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से 428 सीटों पर मतदान हो चुका है, सिर्फ 115 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है, लेकिन बयानों ने चुनाव का तापमान बढ़ाकर रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। इनको भी पता है, इसलिए आजकल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। 24 के चुनाव में नंबर गेम हावी हो चुका है। नंबर गेम के जरिए हर पार्टी अपनी चुनावी बिसात को मजबूत करने में जुटी हुई है। 5 चरणों ने बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार पक्की कर दी है। नंबर गेम के साथ साथ माइंड गेम को भी ध्यान में रखा जा रहा है। हर बयान से ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि कैसे कौन किसके पिच पर आकर बैटिंग करने लगा है। कहते क्या है, विकास कैसे होगा, बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। जो आप नरेंद्र मोदी जी से कहलाना चाहते हो मुझे बोल दो, मैं उनके भाषण में कहला दूंगा। अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया,
ठकाठक 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 अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठकाठक ठकाठक फटाफट 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 ठकाठक बोल रहा है। चुनाव नतीजे आने में महज 11 दिन का वक्त बाकी रह गया है और बची हुई 115 लोकसभा सीटों के लिए हर पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। छठे चरण के लिए 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है और इसीलिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक दिल्ली की सड़कों पर सबसे ज्यादा पसीना बहा रही है। हमारे कैंडिडेट कन्हैया कुमार जी स्टेज पे दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए राहुल गांधी रैली करने पहुंचे तो निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर साधा। मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके सुनो और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़कर कहूंगा, कहीं नैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो, मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। राहुल गांधी के इस बयान पर खूब हंसी ठहाके हुए, लेकिन इसी तरह के हमले दूसरी तरफ से भी किए जा रहे हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। अब हंसना मत, राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे भाई, इतने बड़े नेता है, बन सकते हैं क्या? इसी को तो माइंड गेम कहते हैं। नेता जनता के सामने विरोधियों की प्रासंगिकता और उनकी सोच पर हमला करके ये बताने में जुटे हैं कि किसे जिताना है और किसे पीछे छोड़ना है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया के खिलाफ मनोज तिवारी उतरे हैं और बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। खुद पीएम मनोज तिवारी के लिए वोट मांगने आ चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और कन्हैया के लिए वोट मांगने खुद केजरीवाल पहुंचे थे और बाकायदा रोड शो भी किया था। दिल्ली में पिछली बार सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीती थी, इस बार बीजेपी ने सिर्फ मनोज तिवारी को रिपीट किया है। बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने नए उम्मीदवार उतार कर जीत की बिसात बिछाई है। दूसरी तरफ आप और कांग्रेस ने गठबंधन करके उम्मीदवार उतारे हैं। 4 सीटों पर आप और 3 पर कांग्रेस लड़ रही है। दिल्ली में वोटिंग से पहले राजनीतिक मिजाज तो आपने देख लिया, अब आपको ले चलते हैं यूपी, जहां 80 सीटों पर जीत के दावे ने चुनावी रण को रोचक बना दिया है। पिछली बार 2019 में एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने लक्ष्य तो 80 में 80 का रखा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन देश के सबसे बड़े प्रदेश में मोदी के रथ को रोकने की तैयारी कर चुका है। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है इनको चक्कर आने लगता है। चक्कर इसलिए आने लगता है कि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है, इस बार 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी, इनकी सीटें बढ़ने जा रही नहीं है। करीब 4 दशक पहले 1981 में संजय दत्त की आई फिल्म रॉकी का वो गाना याद है आपको, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। चुनाव की पूरी कहानी मानो इसी गाने के इर्द गिर्द घूम रही है। चुनाव का मौसम बदलता चला जा रहा है,
मैं देख रहा हूं जो जनसैलाब हमें दिखाई दे रहा है, इस बार ये पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज वाला माहौल है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रैली कर रहे थे और अखिलेश को सुनने आई भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। इस तस्वीर को देखकर अखिलेश फूले नहीं समा रहे थे और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।